और धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु इस राज, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे खुदा, और धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक एक के जीवनों को आपके पवित्र हाथों हम दे देते हैं पिता, और धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। यहोवा खुदा मेरी सुन ले दुआ, 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 तेरी रहमत का साया हो मुझ पे सदा, तेरी रहमत का साया से पाई है मैंने सिपा, तेरी सबकत से पाई है मैंने सिपा, गया हवा
का साया मुझ पे सना भैया आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर जी।
सब अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं। भेज अग्नि भेज, अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से हर एक कोई पुकारे, भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि भेज।
सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा धन्यवाद करते हैं खुद, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर खुदा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हमेशा आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होता रहे मेरे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आपकी अग्नि हर एक लोगों को छूने पाए मेरे परमेश्वर खुदा, ताकि हर एक लोग सामर्थ खुदा, हम सबको आपके दर्शन मिले मेरे परमेश्वर खुदा, हर एक आराधना के द्वारा हम आपको देखने पाए मेरे परमेश्वर खुदा, वो दर्शन हमारी पूरी हो यीशु नासरी खुदा, हम आपको देखना चाहते हैं मेरे परमेश्वर खुदा, अपने आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे आप मिल मेरे परमेश्वर, हमसे बातें कीजिए मेरे परमेश्वर खुदा, हम आपको देखना चाहते हैं प्यारे पिता, हम आपको देखना चाहते हैं पवित्र परमेश्वर खुदा, हमें दर्शन दीजिए मेरे परमेश्वर खुदा, हम आराधना के द्वारा आपसे देखना चाहते हैं खुदा, आपको देखना चाहते हैं पिता, और हम आप आत्मा और सच्चाई से भरना चाहते हैं खुदा, आपके वचनों के द्वारा हम भरना चाहते हैं मेरे परमेश्वर खुदा, हमारे घर में प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है मेरे परमेश्वर खुदा, उसे तू अपने वचनों के द्वारा पूरा कर दे मेरे परमेश्वर खुदा, हर एक लोगों के ज्ञान और बुद्धियों को खोल दे मेरे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु, आपके वचन के द्वारा मैं आज भर जाऊं यीशु नासरी, आपके वचन से आज मैं भर जाऊं मेरे परमेश्वर खुदा, तेरे वचन से पूरे कलेसिया भरने पाए मेरे परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर खुदा, आपने हमारी प्रार्थना सुना खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
को देने के लिए, अपने लोगों को अद्भुत रीति से छुड़ा लेने के लिए, अद्भुत ज्ञान बुद्धि समझ और सामर्थ को देने के लिए परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप दया करिए प्रभु। ये जो सुंदर समय वचन का समय है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, वो जो वचन आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु, वो वचन आज प्रभु आज की रात हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत हो जाने पाए प्रभु। राजा जब आप अपने दास को इस जगह में खड़ा करते हैं प्रभु, अपने दास के द्वारा आप बोलिए और बातचीत करिए। आपका वचन यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम हर एक लोगों के जीवन से व्यक्तिगत रूप से बातें करने पाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरा वचन परमेश्वर पिता हर एक लोगों से बातें करने पाए, हर एक लोगों को आज प्रभु परमेश्वर पर्सनल बातें करने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, अपने दास को ऐसा आप इस्तेमाल करिए प्रभु इस जगह में प्रभु। अपने दास को अपने नियंत्रण में ले लीजिए, जो आप चाहते हैं वो बातें प्रभु उनके मुख से कहिए। मेरे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक वचन को चुराने वाली बुरी शक्तियां, वचन के बीच में डिस्टर्बेंस, सबको यीशु के नाम से हम बांध देते हैं मेरे परमेश्वर। बुरी शक्तियां जो वचन को वचन टाइम डिस्टर्ब करती है, ऐसी बुरी शक्तियों को बांध कर दूर फेंक देते हैं यीशु के नाम प्रभु। इस समय प्रभु भवन के चारों ओर आपके लहू की सुरक्षा लेते हैं। हम सब लोगों पर प्रभु आपके लहू की सुरक्षा लेते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब वचन बोया जाए प्रभु, हम हर एक लोगों का हृदय उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आपके दास को हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके लहू की सुरक्षा नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, ऐसा ही करने जा रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए जोरदार ताली बजाएं, प्रभु के दास का वेलकम करें। पूरे जोरदार 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 ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, सब प्रभु के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। सब प्रभु के महान और अद्भुत नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सो परमेश्वर के प्रलोगों, आज की रात हम इस जवानों की सभा में हम प्रार्थना योद्धाओं के विषय में बातों को करेंगे। आमीन आमीन। किसके विषय में? प्रार्थना योद्धाओं के विषय में। हाँ ले लो या, हम सबों को एक प्रार्थना योद्धा के रूप में मिनिस्ट्री में खड़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ ले लो या, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दर्शन बड़ा है, हमारी मिशन हमारी कॉलिंग बड़ा है, लेकिन प्रार्थना बिल्कुल जीरो है। हाँ ले लो या, बहुत सारे आत्मिक बेटियों की जिंदगी में दर्शन बड़ा है लेकिन जीरो है प्रार्थना। हाँ ले लो या, बहुत सारे जवान भाई जो स्वात में सेवा करते रहे लेकिन प्रार्थना जीरो है परमेश्वर के लोगों। लेकिन हमको प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमको बड़े कामों को करने के लिए हमको प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा होना अनिवार्य है यीशु मसीह के नाम में। जब प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े होंगे तो परमेश्वर छत्तीसगढ़ क्या पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यदि आप अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना योद्धा बन गए तो परमेश्वर जगह जगह में लेकर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी तो शुरुआत है, परमेश्वर अपना काम करना बाकी रखा है, बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर के प्रलोगो, इससे पहले कि हम अपने आत्मिक जिंदगी में सबको प्रार्थना करने वाला योद्धा होना बहुत जरूरी है, आमीन। प्रार्थना के योद्धा बन करके परमेश्वर के राज्य में हमको खड़ा रहना है, मिनिस्ट्री में खड़ा रहना है, ताकि परमेश्वर के कामों को हम जगह जगह जा करके करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या सिखाया? लूका रचित की पुस्तक निकालो, 22 अध्याय, उनतालीस और 40 पद पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? तब वह
बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। हाँ, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। और बाइबिल बताती, चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उस जगह पहुंचकर उसने और बाइबिल बताती उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने अपने चेलों को? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कब लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं? जब आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। जब आपके आत्मिक जीवन बिल्कुल जीरो है, जब आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है, इसलिए करके बहुत बातों में आप गिर जाते हैं, बहुत बातों में आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं, बहुत बातों में आपके फैमिली में बड़ा निराशा और दुखी छा जाता है। लेकिन यदि आप आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो मतलब हर जगह में जीतने वाले भी लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हर जगह में आप फाइट करेंगे शैतान को, बीमारी को, दुष्टात्माओं को, हर परिस्थिति को यीशु मसीह के नाम से फाइट कब करेंगे? यदि आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और एक आत्मिक जीवन को प्रार्थना का जीवन का होना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो आप जीतने वाला विश्वासी नहीं, हमेशा फेल होने वाला विश्वासी होंगे। हालेलुया। लेकिन आप जीतने वाला विश्वासी कब बनते हैं? जब आप आत्मिक जीवन को मजबूत रखते हैं, प्रार्थना का जीवन बनाते हैं। हालेलुया। आपको आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने वाला एक परिवार बनना है यीशु मसीह के नाम में। हमारे नगर, हमारे गांव, हमारे क्षेत्रों को बचाने के लिए एक प्रार्थना योद्धा के रूप में हमको खड़ा होना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। यीशु ने क्या कहा बेटा अपने चेलों को? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करने वाले परीक्षा में कभी नहीं पढ़ते, ध्यान से सुनो। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे लोग हमेशा परीक्षाओं में पड़े रहते हैं। परीक्षाएं दो प्रकार की होती है। हालेलुया। एक तो हमारा लेवल का बढ़ने का परीक्षा होता है, एक तो हमारा लेवल से गिरने का परीक्षा होता है। हालेलुया। लेकिन परीक्षा वो होना चाहिए आपका बढ़ने का परीक्षा। हालेलुया। आपका नीचे जाने का परीक्षा नहीं आना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन बहुत से लोगों के जिंदगी का नीचे जाने का परीक्षा आती है। परीक्षा आया, नीचे चला गया। परीक्षा आया, प्रार्थना खत्म हो गया। परीक्षा आया, फास्टिंग खत्म हो गया। प्रार्थना नहीं है, चर्च आना बंद कर दिया। प्रार्थना नहीं है, परिवार में झगड़े हो रहे हैं। प्रार्थना नहीं है, आत्मिक जीवन कई पापों का अभिलाषा में चला गया। प्रार्थना नहीं है तो कई बातें ऐसे जिंदगी में आकर के बैठ गया। प्रार्थना नहीं है तो कई ऐसे दशा जिंदगी में आके घुस गया। ये है नीचे जाने की तरीका। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके भी जिंदगी में परीक्षाएं होती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दूसरी परीक्षाएं यही है कि परमेश्वर आपको पेपर में बिठाता तो है, लेकिन आप जब प्रार्थना में खड़े रहते हैं तो आप अगले क्लास पहुंच जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत से लोग बहुत बार परीक्षा दिलाना नहीं चाहते। हालेलुया। बहुत से लोग परीक्षा दिलाना नहीं चाहते, और जो लोग परीक्षा नहीं दिलाते वो लोग उसी क्लास में रहते हैं। ध्यान से सुनो। हालेलुया। कौन सा क्लास में? उसी क्लास में। आप 9 क्लास में तो 9 क्लास में, 10 क्लास में तो 10 क्लास में, 11 क्लास में है तो वही 11 क्लास में। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन जो लोग पेपर दिलाते हैं, पेपर में बैठते हैं, पेपर में बैठ करके उस परीक्षा को दिलाते हैं, वो लोग उस लेवल में जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। उनका क्लास बढ़ जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाओ। एक बार आप कौन सी परीक्षा की अपेक्षा करेंगे, नीचे जाने का या ऊपर उठने का? कौन सी परीक्षाएं? ऊपर उठने का परीक्षा के इंतजार करो। हालेलुया।
ऊपर उठते कब हैं? जब आप आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। आमीन। आत्मिक जीवन जब आपका प्रार्थना में होता है तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हाँ, आपकी जिंदगी में परमेश्वर जरूर से उस परीक्षा के घड़ी में लेकर जाता है। जब आप आत्मिक जीवन में मजबूत, जितने मजबूत होते जाते हैं उतने क्या होता है, आपके टेस्ट होते हैं। हालेलुया। बहुत बार आप जब प्रार्थना ज़्यादा चालू करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें खड़ा हो जाता है। हालेलुया। बहुत बार बहनों का फोन आता है कि भैया हम लोग 40 डेज का 40 दिन का प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन और भी ज़्यादा परीक्षा बढ़ गई है, और भी ज़्यादा समस्या देख रहे हैं। कोई बात नहीं, वो आपका नीचे जाने का नहीं है, वो आपका ऊपर जाने का परीक्षा है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत बार फोन आता है कि सचमुच भाई साहब ऐसा हम प्रार्थना चालू किए, जब से चर्च जाना चालू किए, जब से हम घर में घंटा प्रार्थना करते हैं तो और भी हमारे पति साहब दारू पी कर आते हैं, और भी प्रॉब्लम करते हैं। कोई बात नहीं, उसको करने दो। यदि आप अड़े और खड़े रहेंगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी परीक्षा हो रहा है उस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा परीक्षा आती है कि हाँ प्रभु के दास, अब तुम प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, अब तुम चर्च ही नहीं आ रहे, अब तुम्हारे बच्चे हमेशा प्रॉब्लम रहते, हमेशा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हमेशा डॉक्टर को बुलाते हैं, हमेशा ऐसा हो गया। परमेश्वर के दास आप प्रार्थना कर दो, हम तो बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर पा रहे। ये नीचे जाते हैं और क्या होता है कि लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। कारण क्या है कि प्रार्थना नहीं करते अपने लाइफ में। हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। आत्मिक जीवन को आपको प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। चाहे हमारे वर्शिपर टीम के बच्चे हो, चाहे वॉलंटियर की टीम के बच्चे हो, चाहे हमारे बिल्वर्स की टीम के बच्चे हो, चाहे हमारे सेवक और सेविका में से कोई भी हो, आपके आत्मिक जीवन में अपने उन्नति को देखना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना अनिवार्य है। आमीन। हालेलुया। आप अपने पादरी के ऊपर में बिल्कुल डिपेंड मत रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम सुरक्षित सोएंगे। हालेलुया। नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करते। प्रति भोर प्रार्थना करते हैं आपके लिए, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है कि हम रात में भी प्रार्थना करते हैं आपके लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोगों हम कई घंटे प्रार्थना करते हैं। कल कई घंटा प्रार्थना किया हमारे चर्च के एक एक लोगों के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक घराना के लिए, एक एक गांव के लिए। जितने गांव में आप आते हैं वहां के नाम ले लेकर प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रार्थना डायरी में देखना कि एक एक गाँव का नाम नोटिस किया गया है कि कहाँ कहाँ से हमारे लोग आते हैं। हालेलुया। कहां कहां से आप आते हो, एक एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और बोलता हूं कि परमेश्वर मेरे एक एक बेटा बेटी के जीवन की रक्षा करना, एक एक लोगों को सुरक्षा देना, एक एक लोगों को संभाल के रखना, एक एक लोग प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ में आगे बढ़ने पाए इस मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करता हूं, लेकिन आप ज्यादा अपने लिए प्रार्थना करोगे ज्यादा आप सेफ रहोगे इस मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको अपने लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है बेटा। जब अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो फिर आप आत्मिक जीवन में कैसे मजबूत रहोगे। हालेलुया। आपको अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखने के लिए आपको स्वयं को प्रार्थना करने वाला एक योद्धा के रूप में आपको तैयार करना है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के महिमा को लेकर खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत बड़े तूफानों से भी गुजरा, बहुत बड़े मुसीबत से भी गुजरा, बहुत बड़े परिस्थितियां मेरे जीवन के जिंदगी के साथ में चला फिरा। बहुत बार ऐसा हुआ कि हर जगह के रास्ता बंद हो गया था, लेकिन मैं अपने लाइफ में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं अपने लाइफ में प्रार्थना को ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ चाहे जैसा भी आए, आंधी तूफान आए, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, मैं प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है। जब मुझे विश्वास करता हूँ कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार सेफ रहता है, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ हमारी मिनिस्ट्री सेफ रहती है, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे नगर गाँव सेफ रहता है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इस बात को समझना है और परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ना है।
हर बेटा बेटियों को अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने वाला जीवन बनाना है, बोलो आमीन। आप प्रार्थना करने वाला बनेंगे मेरे बेटे मेरे बेटियां, तो परमेश्वर भी आपको जिताने वाला होगा। हालेलुया। आप प्रार्थना का जीवन को महत्व देंगे, आप प्रार्थना को महत्व देंगे। प्रार्थना का अर्थ है कि आप हमेशा परमेश्वर से बात करते हैं, बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हैं मतलब परमेश्वर से हमेशा आप जुड़े हुए हैं, और परमेश्वर के साथ में लोग जुड़े रहते हैं उसको कभी परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देता। हालेलुया। इस बात को भी आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान को भी मालूम पड़ता है कि इनके चारों ओर तो क्या लगा है, बाड़ा लगा है। किसको मालूम पड़ गया, मालूम है शैतान को, किसके घर के बारे में, अय्यूब के घर के बारे में। हालेलुया। अय्यूब के घर के बारे में उसको मालूम पड़ गया कि हालेलुया। तो बाइबिल बताती है परमेश्वर के प्रलोगों, जब शैतान अय्यूब के घर गया तो बाइबिल बताती है कि शैतान को मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने तो उसके घर के चारों ओर क्या बांध रखा है, बाड़ा बांध रखा है। उसकी उसकी कारण क्या है मालूम है, क्या कारण है उसकी, प्रार्थना। अय्यूब एक अध्याय और चार पद पांच, चार पांच पढ़ो क्या लिखे हैं वहां पर। पांचवा पद को पढ़ना, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें उन बुलाकर पवित्र करता, और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, तब तब बाइबिल बताती अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, और बड़े भोर को उठकर, और बाइबिल बताती बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती अनुसार होम बलि चढ़ाता, उनकी गिनती के अनुसार में क्या चढ़ाता था, होम बलि चढ़ाता, होम बलि चढ़ाता था। मतलब वो प्रति भोर उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बोलो हालेलुया। प्रति भोर प्रार्थना करने वाला दास था अय्यूब की जिंदगी में। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने आत्मिक जीवन में प्रति भोर प्रार्थना करने वाला जन बनिए यीशु मसीह के नाम में। यदि आप प्रति भोर प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे, शैतान को भी आपकी जिंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये मेरा बिटिया प्रार्थना करती है, मेरे बेटे लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे सेवक लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसे करके शैतान को भी मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपके आत्मिक जिंदगी के बारे में उसको बिल्कुल सब कुछ बेपर्दा होना चाहिए। हालेलुया। आपके जिंदगी के बारे में दुष्टात्मा को, शैतान को बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के भय मानते हैं, आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप अच्छी आराधना करते हैं, आप पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं, हर प्रकार की गंदगी से दूर रहते हैं, आप कोई प्रकार के गंदगी के साथ में जीवन नहीं बिताते। इन सब बातों को शैतान को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं तो इस बात को आज के बाद में जानकारी रखो कि शैतान आपके जिंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए। हालेलुया। शैतान आपके बारे में उसको बिल्कुल कंफर्म कर दो कि मैं प्रार्थना करने वाला बेटा हूं, मैं प्रार्थना करने वाला बेटी हूं, परमेश्वर का मैं भय मानने वाला हूं, मैं पाप से बाहर रहने वाला बेटी हूं, मैं पाप से बाहर रहने वाला बेटा हूं, मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बेटी हूं, मैं आराधना करने वाला बेटी हूं, मैं आराधना करने वाला बेटा हूं, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाने वाला परिवार हूं, ऐसे करके शैतान को कंफर्म कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कंफर्म कर दो। शैतान क्या कहता है, पांच आप एक का दस पढ़ो क्या लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। किसको बोलता है, परमेश्वर को बोलता है। कौन बोलता है, शैतान बोलता है। किसके बारे में बोलता है, अय्यूब के बारे में। देखो तीन जने वहां पर, कौन, पहले शैतान किसको बोलता है, परमेश्वर को बोलता है। किसके बारे में बोलता है, अय्यूब के बारे में बोलता है। क्या बोलता है मालूम है,
क्या तूने उसके घर और उसके चारों ओर तूने बाड़ा नहीं बांधा है? बोलता है कि उसके कामों पर तूने तो आशीष दी है, बोलता है हालेलुया। मतलब शैतान को भी मालूम पड़ गया था कि अय्यूब के घर के चारों ओर तो क्या था, बाड़ा था, बाड़ा लगा था, बाड़ा लगा था यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्योंकि शैतान को मालूम था कि प्रति भोर क्या करता था, अय्यूब उठ करके गिनती के अनुसार अपने बेटा बेटी के लिए पश्चाताप करता था, निश्चय मेरे लोग पाप करके परमेश्वर से छोड़ गए होंगे, निश्चय मेरे लोग पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए होंगे, निश्चय मेरे घर के लोग अधर्म किए होंगे, निश्चय मेरे लोग किसी प्रकार के भूल चूक कर ले होंगे। ऐसा करके निष्प्रतिदिन क्या करता था अय्यूब, अपने बेटा बेटी की जिंदगी के लिए गिनती के अनुसार वह पश्चाताप करता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर के प्रभु, और यीशु के खून से ढांपता था वो, हालेलुया। क्या करता था? यीशु के खून से ढांपता था, ढांपता था, हालेलुया। यदि आप अपने परिवार को यीशु के खून से ढांपने वाले लोग हैं, आज सुनकर जाए परमेश्वर के प्रभु कि शैतान को भी मालूम पड़ जाएगा कि आपके घर के चारों ओर तो यीशु मसीह का खून का बाड़ा लगा हुआ है, बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो शैतान को बिल्कुल आज के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये बेटियां तो प्रार्थना करती है, ये बेटा तो प्रार्थना करता है, ये जवान तो प्रार्थना करता है, इस सेवक तो प्रार्थना करता है, इस सेविका तो प्रार्थना करती है, ये जो एल्डर प्रार्थना करता है, ये लीडर प्रार्थना करता है, ये हमारी कलीसिया के बेटियां लोग, बेटे लोग, विश्वासी लोग, दादी लोग, दादा लोग, बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे करके शैतान को बिल्कुल मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। क्या चाहते हैं आपके जीवन के बारे में शैतान को मालूम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं भाई? होना चाहिए कि नहीं? यस कि नो? यस, आपके जिंदगी के बारे में शैतान को बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि ये बिना प्रार्थना किए अपने बिस्तर से उठता नहीं है, हालेलुया। ये बिना प्रार्थना किए हुए कोई भी काम आगे नहीं करता। शैतान को मालूम होना चाहिए कि इनका पहला स्थान कौन है? यीशु, बोलो यीशु। शैतान को कंफर्म होना चाहिए कि इनका पहला स्थान यीशु मसीह है। जब इसकी नींद खुलता है तो ये यीशु के पांव पकड़ लेता है। आपके बारे में शैतान को मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा है वो तेरे पास आएंगे परंतु तुझे छू भी नहीं पाएंगे, हालेलुया। कहां पर लिखा है मालूम है? भजन संहिता 91 के 7 वचन में, तेरे पास आएंगे परंतु तुझे छू भी नहीं पाएंगे, बोलो हालेलुया। वो आपके पास आएगा, आपके बगल में खड़ा रहेगा, आपके इर्द गिर्द में खड़ा रहेगा, लेकिन वो छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रॉमिस आपके ऊपर में आशीष के रोर खड़ा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन यदि आप प्रार्थना के साथ में खड़े हैं तब शैतान आएगा लेकिन छू भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इस बात से आज आपको कंफर्म होना है, जवान बेटा और बेटियों और मेरे चर्च के एक एक परिवार, आपके बारे में शैतान को मालूम होना चाहिए कि प्रति भोर सुबह उठती है, ये प्रार्थना में बैठ जाती है, प्रति भोर ये बाइबिल को देखती है, बाइबिल के वचन सुनती है। ऐसे करके शैतान को कंफर्म होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रयोगों में आपको बताना चाहूंगा, बहुत बार शैतान आपके जिंदगी के हुबरू, आपके जिंदगी के एक एक वर्ड को जानता है, एक एक शब्द को जानता है, एक एक कमजोरी को जानता है कि ये तो प्रार्थना नहीं करती, हालेलुया, ये तो प्रार्थना नहीं करती, ये तो बाइबिल नहीं पढ़ती, ये तो चर्च नहीं जाती, ये तो पवित्रताई में जीवन नहीं जीती, ये तो भय नहीं मानती, ये तो आज्ञाकारी नहीं है माता पिता के, ये तो आज्ञाकारी नहीं है चर्च के, पादरी की आज्ञाकारी नहीं है, सुनता भी नहीं है। तो शैतान को मालूम है, और शैतान उसी लोगों को पकड़ लेता है जो लोग आज्ञाकारी नहीं होते, हालेलुया। जिनके जीवन में आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं होता, जो लोग चर्च में नहीं आते, जो लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते, जो लोग बाइबिल के वचन को महत्व नहीं देते, ये जीवन का खजाना है, बोलो खजाना है, बोलो आमीन, हालेलुया। ये जीवन का खजाना है बेटा, कम से कम जैसा भी बनता है आपको एक चैप्टर पढ़ने वाला बनना है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर में कम से कम 40 वचन हर दिन पढ़ना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, 40 वर्ड आपके अंदर में जाए ऐसा बनो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया।
बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे सप्ताह पार हो गया, बाइबल खोल करके देखने का टाइम नहीं हमारे पास में। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि सेवक लोग भी प्रार्थना का जीवन नहीं जीते। परमेश्वर के लोगों बोलो यीशु मसीह की, कोई प्रार्थना नहीं जीते, विश्वासी लोग भी नहीं जीते, ऐसे वर्शिप करने वाले भी बच्चे ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लोगों की, दो मिनट के बाद सब काम खत्म। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करने वाला योद्धा मत बनो। परमेश्वर के आत्मा को हमको जीतना है, परमेश्वर के राज्य को बड़ा करना है, चौड़ा करना है, तो आपको बुलंदी प्रार्थना करने वाला परिवार बनना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करने वाला बनो ताकि परीक्षा में बिल्कुल ना आओ। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपको परीक्षा से पार कराने वाले लोग बना देंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि आप एक प्रार्थना करने वाला योद्धा के रूप में खड़े हो जाओ इस मिनिस्ट्री के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है। आप जब प्रार्थना करेंगे, शैतान को मालूम होगा कि ये तो प्रार्थना करने वाला बच्चा है, इसको हम हरा नहीं सकते। बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान को मालूम पड़ना चाहिए कि ये प्रार्थना करने वाला, ये कि योद्धा बेटियां हैं, ये प्रार्थना करने वाला योद्धा बेटा है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके जिंदगी के बारे में उसको बिल्कुल हुबरू होना चाहिए। बोलो आमीन। जिस प्रकार परमेश्वर को मालूम है आपकी जिंदगी के बारे में कि ये प्रार्थना करता है, ये वचन पढ़ता है, ये चर्च आता है, ये परमेश्वर के भय मानती है, भय मानता है, यहाँ प्रकार के पाप और बुराई से अलग रहता है, इनकी कोई गलत दोस्ती नहीं है, इनका कोई गलत उठना बैठना नहीं है, ऐसा करके परमेश्वर को आपकी जिंदगी के बारे में मालूम है, उसी प्रकार शैतान लूसीफर को भी आपकी जिंदगी के बारे में मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के खून से खरीदे गए बेटा और बेटियां यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप किसके खून से खरीदे गए बेटा बेटी हो? यीशु मसीह के। पहला कुरंती 6:20 में क्या लिखा है देखो, 6:20 में, पहला कुरंती 6:20 पद। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, क्योंकि ये दाम देकर मोल लिए गए। देखो बेटा, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपने देह के द्वारा, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की क्या करना है? महिमा करना है, महिमा करना है, क्योंकि दाम देकर क्या किए गए हैं? मोल लिए गए, मोल लिए गए। मोल लेने का अर्थ क्या होता है? खरीद लेना, मोल लेना। हाँ, आप मार्केट जाते हैं ना, बाजार जाते हैं और मोल लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज लेकर आते हैं। क्या बिना पैसा से आते हैं? क्या मार्केट जाते हैं बिना पैसा के आते हैं? हाँ, कपड़े लेते हैं, मार्केट जाते हैं कपड़े दुकान में, क्या बिना पैसा के देता है? उसके लिए क्या चुकाना पड़ता है आपको? दाम चुकाना पड़ता है, पैसा गिनना पड़ता है, तब जाकर के आपको कपड़े लेना लोगे तो देगा वो, स्वेटर लोगे, शाल लोगे, जो भी आप कपड़े लोगे आपको उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके और मेरे और हम सब दुनिया के प्राणों के लिए, हम दुनिया के बेटा और बेटियों के लिए परमेश्वर ने अपने बेटा का दाम चुकाया, अपने बेटा के सोली पर लहू बहा करके। बोलो आमीन। हालेलुया। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या चुकाया बेटा? दाम चुकाया है, दाम यीशु मसीह ने लहू बहाया है। 2022 साल पहले इस धरती पर यीशु मसीह आया था, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो जिंदा खुदा है। बोलो आमीन। जिंदा है वो, जिंदा परमेश्वर का बेटा है और वो हर लोगों को छुड़ाना चाहता है, हर लोगों को अपनी आत्मा में मजबूत देखना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। एक एक लोग जब प्रार्थना योद्धा खड़े होंगे तो शैतान का जनाजा उठ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब प्रार्थना करने वाला बनेंगे टीम हमारी, जब प्रार्थना करने वाला टीम हमारा होगा, बहनों का टीम होगा, भाइयों का टीम होगा, बुजुर्ग माताओं का टीम होगा, जब घंटों प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के प्रलोगों, जब प्रार्थना का ऐसा जीवन बनाएंगे तो परमेश्वर ऐसा रिवाइवल लेकर आएगा, ऐसा क्षेत्र में जागृति लेकर आएंगे, ऐसे आत्मा बचेगा कि परमेश्वर को मालूम है कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर सकता है। हालेलुया।
प्रार्थना का जीवन को मजबूत करना बहुत जरूरी परमेश्वर के लोगों। बहुत बार ऐसा होता है कि कई घंटों से कई बातों से लेकर के हम पड़े रहते हैं और घंटों अपने समय को खराब कर दिए, लेकिन कभी नहीं कहते कि एक घंटा बैठ करके हम इस बात के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बहुत बार होता है परमेश्वर के लोगों, घंटे हमारा मोबाइल फोन चालू रहता है, घंटे हम मोबाइल में समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हम आधा घंटा एक घंटा बैठ करके प्रार्थना करें। चलो जी हालेलुया। कई घंटा कई विषयों को लेकर के कई बहनें कई भाई आपस में बैठ करके कई घंटे बिता देते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हम आओ एक घंटा बैठ करके प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि ऐसे प्रार्थना करने वाले बनेंगे, परमेश्वर जागृति लेकर आएगा हमारे मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जागृति लेकर आएगा हमारे क्षेत्र में, जांजगीर चांपा में, छत्तीसगढ़ में जागृति आएगी यीशु मसीह के नाम में। जागृति आने का देरी एक ही बात का कमी है कि हम प्रार्थना योद्धा के रूप में नहीं खड़े हैं। हालेलुया। हम घंटे प्रार्थना नहीं करते, हम घंटे परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करते, हम घंटे कई बातों में समय व्यतीत करते हैं, कई बातों में पड़े रहते हैं, कई बातों को हम घंटे बिता देते हैं, लेकिन एक घंटा भी हम बैठ करके प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। लेकिन यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जागृति लेकर आएगा बेटा, परमेश्वर बड़े कामों को करेगा अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा। बोलो आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके साथ प्रार्थना करने वाला बनो। जब प्रार्थना करेंगे तो लोग बंदवाई से निकलकर बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप घंटों प्रार्थना करेंगे, आत्माएं बचेगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर शैतान के ताकतों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे तो हर प्रकार की बुराइयां खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करेंगे तो छोटी छोटी बातों में लोग मुंह फुलाते हैं, वो सब खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करने वाला बनेंगे तो शैतान की ताकतें टूटेगी कलीसिया के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रियलोगो, प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए करके शैतान किसी न किसी को पकड़ के रखा है, किसी न किसी की जिंदगी में मानसिकता में वो गंदा कामों को दौड़ा रहा है, गंदा कामों को दौड़ा रहा। आपको ये काम नहीं दिया, आपको वो काम नहीं दिया, आपको चेयर नहीं दिया, आपको ये नहीं दिया, आपको फोटो नहीं आया, मतलब शैतान कई बातों में लोगों को फंसा करके रखा है और उनके आत्मिक जीवन को नीचे ढकेल रहा है। हालेलुया। लेकिन इस बात को जानना है बेटा, जब हम आपके साथ में घंटों बैठकर प्रार्थना करेंगे, ये शैतान के सारे काम खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। इस बात को समझना है परमेश्वर के बेटा बेटियों कि शैतान हमारे टाइम को क्या कर लेता है, चुरा लेता है। हालेलुया। हमारे टाइम को क्या करता है बेटा, चुरा लेता है। शैतान बड़ा चलाक है, वो नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, आप परमेश्वर के दास के संग आशीष के कारण बढ़ो, या इस मिनिस्ट्री में आप आशीष के कारण बढ़ो, ऐसे करके दुष्टात्मा का नहीं है योजना। दुष्टात्मा चाहता है कि आप इस मिनिस्ट्री से अलग हो जाओ, दुष्टात्मा चाहता है कि आप पादरी से अलग हो जाओ, चाहता है परमेश्वर के दास से अलग हो जाओ, मिनिस्ट्री से अलग हो जाओ। उसके खेल है चोरी करना, घात करना, लोगों को नष्ट करना। लेकिन आत्मिक लोग इस बात को समझते परमेश्वर के प्रभु, यदि आपके जिंदगी के आत्मिक जीवन को छोटी छोटी बातों में शैतान कोई ना कोई आपके कान में खुसुर फुसुर ला रहा है, आप समझ जाओ कि ये शैतान का षड्यंत्र है, जो मुझे इस जगह में जो आत्मा बचाना है मिल करके, उस आत्मा से शैतान क्या कर रहे हैं, मुझे अलग कर रहे हैं। हालेलुया। आप इस बात को समझो परमेश्वर के प्रलोगो, और आप उस बातों से निकलो, आप किसी की बातों में मत आओ। कोई भी आपके कानों में किसी प्रकार के आपके बारे में बोल दिया, उस बात को मत लो अपने आत्मिक जीवन में, तब जाकर के आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कोई भी गलत चीजों को मत सुनो। हालेलुया। आप उसके बजाय उसको बोलो, छोड़ दो यार, उसके लेखा परमेश्वर ले लेगा, चल तेरे साथ हम उसके उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ हाँ दीदी, हाँ सही 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 सही, हाँ हाँ भैया सही है सही 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 है, और उसी बात को लेकर के घंटों हम अपने समय खराब कर दें, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि हम उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा बनना है बेटा, जब ऐसा बनेंगे परमेश्वर का बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान इस बात से अपन को फंसाना चाहता है, आपके जिंदगी को गिराना चाहता है, आपके आत्मिक जीवन के उभरता हुआ जिंदगी को नाश करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रलोगो, यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में
ना पढ़ो। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग होंगे कभी परीक्षा में नहीं गिरेंगे, कभी छोटी छोटी बातों में नहीं फंसेंगे, कभी छोटी छोटी बातों में आप ध्यान नहीं देंगे यदि प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो। हालेलुया, बहुत चीज ऐसा है कि आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर से अलग करेगा। हालेलुया, बहुत ऐसा चीज है जो दुष्टात्मा का खेल है, दुष्टात्मा का काम है, जो आपके मन को भरमाएगा। हालेलुया, बहुत सारे चीज है जो आपको आपके कॉलिंग से अलग करेगा। ध्यान से सुनो आज की रात। हालेलुया, बहुत सारे चीज है जो आपको परमेश्वर के महिमा से अलग करेगा, लेकिन यदि आप सावधान होंगे, प्रभु ने कहा सावधान हो, कोई तुमको भरमाने ना पाए। हालेलुया, कोई भी आपकी जिंदगी को भरमाने ना पाए परमेश्वर के प्रलोगों। यदि आप उस बातों में, यदि आपके जिंदगी में आपके कानों में कोई आ रहा है आवाज लेकर के, यदि आपके कानों में कोई गलत आवाज गलत बैठने सुन रहे हो इस प्रकार से, तो उसको नेगलेक्ट कर दो यीशु मसीह के नाम में। यदि आप उसको सुनकर पकड़ोगे, आप उसको पकड़ करके आप मानसिकता लोगे, तो शैतान क्या करेगा, आपके आत्मिक जीवन में घाव बना देगा। हालेलुया, शैतान घाव बनाता है तो वो कैंसर बना देता है सीधा। हालेलुया, और क्या करता है फिर वो कैंसर कहीं इलाज का नहीं होता। हालेलुया, इसलिए करके आपको शैतान के बारे में सुनना बिल्कुल नहीं है। बोलो हालेलुया, कोई भी आपको कुछ भी बोले तो आपको उस चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐसे करके प्रार्थना करो, उसी जगह में उस पिटारा को बंद कर दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, तभी जा करके आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर का बड़ा आशीष होगा, परमेश्वर के बड़े काम होगा, और परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच में बड़ा होता जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में आप छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने आत्मिक जीवन को तबाही मत करो। हालेलुया, परंतु आपको अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, हालेलुया, मरकुस के पुस्तक निकालो बेटा, एक अध्याय 35 पद पढ़ो, क्या लिखा, एक अध्याय मरकुस के पुस्तक एक अध्याय और 35 पद को हम पढ़ेंगे हम लोग। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हाँ भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, और बाइबल बताते वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। और बाइबल बताते यीशु मसीह के बारे में वो क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, वो क्या करता था बेटा, अपने लाइफ में प्रार्थना का ज्यादा महत्व देता था। हालेलुया, यदि आप घंटों बैठ करके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हमको केवल आज फ्राइडे का दिन याद रहता है कि हम एक घंटा बैठ करके बहने बैठ करके प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम प्रार्थना करेगी, हमारे एरिया से हमारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, ऐसे करके केवल आज का ही दिन हमको कंफर्म होता है, बाकी दिन कोई हमारे माइंड में नहीं बसता कि आओ हम एक घंटा बैठ करके प्रार्थना करें। हालेलुया, ऐसे कभी और बाहरी दिन आपको 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 कंफर्म हुआ है क्या, आपको कभी आपकी आत्मा बात किया है क्या, आओ एक घंटा बैठ करके बहने प्रार्थना करें, आओ एक घंटा बैठ करके भाई लोग प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमारे और सेवा को बड़ा करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि और हमारे राज्य को बड़ा करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि शैतान जो काम कर रहा है उल्टे सीधे वो काम बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि शैतान जो झगड़ लड़ाई फंसाते हैं हमारे बीच में, मनमुटाव कराते हैं, वो सब बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे करके क्या कभी और कभी दिन प्लानिंग बनाए, कभी प्लानिंग नहीं बनाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों आत्मा में रहना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में। आप एक दिन चर्च में आत्मा में रहते हो और बाकी छह दिन आप आत्मा में नहीं रहते हो तो वो आत्मिक जीवन नहीं है, आपको हर दिन आत्मा में रहना है यीशु मसीह के नाम में। आप एक दिन आप प्रार्थना में शामिल होकर के परमेश्वर के बड़े महिमा करते हो, बड़े आत्मा में जोरते झूमते हो, बाकी दिन आप प्रार्थना में नहीं है तो फिर वो आत्मिक जीवन नहीं है मेरे बेटा। हालेलुया, आत्मिक जीवन वो है कि आपका हर दिन आपका आत्मा में गुंजना चाहिए। बोल गए थे यीशु मसीह के नाम में, जो हमारे बच्चे यहाँ पर वर्शिप करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आप संडे में जो गीत सुनकर जाते हो, वर्शिप करके जाते हैं, जो बच्चे लोग यहाँ पर वर्शिप करते हैं, कोई भी टीम, उसका गीत आपको पूरे सप्ताह गुंजना चाहिए यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। पूरे सप्ताह आपके कानों में वो चलता रहे यीशु मसीह के नाम में। पूरे सप्ताह आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे भवन में ऐसा महिमा होता है, हमारे भवन में ऐसी आराधना करते हैं, हमारे भवन में परमेश्वर की ऐसी प्रतिष्ठित होती है, ऐसे खुदावन का नाम ऊंचा पर उठाया जाता है। ऐसे करके पूरे सप्ताह बेटा आपके आत्मा के अंदर में वो आवाज़ गूंजना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत बार होता है कि हम तो घर जाते जाते भी भूल जाते हैं कि कौन सा हमारे आज छवि भैया गाना गाया था। हालेलुया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अभी थोड़ा सा याद किए चर्च निकलने के बाद में भूल गए कि निशा बिटिया ने आज कौन सी गीत गाया। हालेलुया। कौन सी हमारे यीशु आराधना टीम के बच्चों ने गीत गाया, हम रास्ते में ही भूल जाते हैं, हमारे मन से उतर जाता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार हम आत्मा को छोड़ देते हैं और शरीर में आ जाते हैं, कौन क्या बोला ऐसे करके जिंदगी में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम संसार की बातों पर मन नहीं लगाते तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में पूरे सप्ताह भर गूंजता रहता है इस मसीह के नाम में। हालेलुया। सप्ताह भर बेटा दौड़ता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड के अंदर में घूमता रहता है परमेश्वर की आवाज, ब्लड के अंदर में घूमते रहते हैं। हम सेप्टिक में घुसते हैं तो वहां पर वो आवाज गूंजता रहता है कि कल कौन से बच्चे लोग वर्शिप कर रहे थे झूम झूम करके। हम नहाने के लिए तालाब में चले जाते हैं तो वहां पर पता चल जाए कि उसी गाना को हम गा रहे हैं, इसी गाना को हम गाड़ी चला रहे हैं तो भी पता चलता है कि वही गाना हमारी आत्मा के अंदर में आ रहे हैं, वही गाना बड़ा झूम झूम करके हम गा रहे हैं अंदर में। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन की एक पहचान है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों। लेकिन जब आप सांसारिक चीज़ों में किसी प्रकार के बस जाते हैं, किसी बातों में आप डूब जाते हैं, किसी बातों को लेकर के मानसिकता को खराब कर लेते हैं, तो मैं तो आपको बोलना चाहूँगा चर्च से बाहर जाते हैं आपके माइंड से ख़त्म हो जाता है कि कौन सी वर्शिप आज हमारी वेदी पर हुआ है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आपके मन में वो चीज़ आपके आत्मा के अंदर में नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन। हालेलुया। वो चीज़ आपके अंदर में नहीं होना चाहिए बेटा कि आप चर्च से निकलें और कौन सी गीत गाए बच्चे लोग भूल गए, कौन सी आराधना हुआ भूल गए, कौन सा प्रचार हुआ भूल गए, कौन सी बातें यहाँ पर हमने सीखा वो भूल गए। ऐसी आपके अंदर में नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर में आप यहाँ से जाते हैं लेकर के आत्मा में वो पूरे सप्ताह भरते जाए इस मसीह के नाम में, पूरे सप्ताह गूंजने पाए आपके आत्मा के अंदर में। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे दिल छू लेता है उस गीतों को, मैं अपने दिमाग में रखा रहता हूँ और तत्काल जैसे मैं रात को बैठता हूँ तो वो गूंजता रहता है। मेरे डायरी और पेन निकालता हूँ, उस गीतों को गुनगुना करके मैं नोट करता हूँ। हालेलुया। और वो गीत कभी मौका पड़ता है मैं उस गीत को गुनगुनाता हूँ, कहीं भी सेवकाई में जाता हूँ कि वो बिटिया इस प्रकार से गाया था गीत को। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रलोगो, आपके अंदर में परमेश्वर के वचन में लिखा कि व्यवस्था की बातें तुम्हारे छिस से कभी उतरने ना पाए। बाइबल में लिखा व्यवस्था, यहोशू के 1:8 के पुस्तक में पढ़ो क्या लिखा, यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और खुदावन का कलाम में लिखा है कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यहोशू 1:8 बेटा, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, और बाइबिल बताते हैं इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलता कि तू प्रभावशाली होगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभावशाली होने के लिए क्या करना है, व्यवस्था के बातें हमारे चित्त से उतरने नहीं देना यीशु मसीह के नाम में। पूरे सप्ताह जो आपने सीखा आपने सुना आपके अंदर में आया वो आपके हृदय के रग रग में दौड़ते रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कोई भी चीज आपके अंदर में जो परमेश्वर के आशीष लेकर गए, आपके आशीष को शैतान छुड़ाने ना पाए। कोई भी बारी बात आपको परमेश्वर के आशीष से आपको अलग ना करे। कोई बारी चीज, कोई झगड़े लड़ाई, कोई नफरत की बातें आपके अंदर में ना आने पाए। बोलो आमीन। जब वो आता है तो व्यवस्था की बातें जिंदगी से बाहर चला जाता है। हालेलुया।
लेकिन जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की आराधना स्तुतियां, उसके शिक्षा आपके ऊपर में बना रहता है, तो कोई भी आपको आक्रमण नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हमको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, हमको परमेश्वर के राज्य को घटाना नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के आत्माओं को क्षेत्रों में जीतना है, हमको परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, हमको इतने में संतुष्ट नहीं रहना है, हमको बहुत सारी आत्माओं को बचाना है यीशु मसीह के नाम में। यदि आप आत्मा में खड़े रहोगे, परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को इस जगह के द्वारा बचाएगा बेटा। हालेलुया। परमेश्वर ने खड़ा किया है तो उसका योजना बहुत बड़ा है, यदि आप समझ करके चलेंगे तो परमेश्वर ये पूरे क्षेत्र को पकड़ लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पूरे क्षेत्र को क्या कर लेगा बेटा? पकड़ लेगा, पूरे क्षेत्र को पकड़ लेगा। हमारी आत्मिक जीवन को जब आप आत्मा में मजबूत रहेंगे, जब आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेंगे, जब आप दुनिया के चीज़ों से अलग रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों में अपने आत्मिकता को खराब नहीं करेंगे, आप छोटी छोटी बातों में आप अपने मुंह नहीं फुलाने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर इस जगह के द्वारा हजारों की आत्माओं को लाखों में बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि ऐसा हो। शैतान तो चाहता है परमेश्वर के प्रलोगों के इनके बीच में झगड़े, लड़ाई, नफरत का द्वेष चलता रहे, ऐसा करके उसकी योजना है। लेकिन उसकी योजना फेल हो जाएगा जब आप प्रार्थना में मजबूत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे यीशु मसीह के नाम से, अंधकार की ताकतें टूटेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए करके हमने इस सप्ताह से, सोमवार से लेकर शनिवार तक, हम प्रार्थना योद्धाओं को 15 से 20 महीने प्रार्थना योद्धाओं को तैयार किया है यीशु मसीह के नाम में, ताकि हमारे इस जगह में प्रार्थना हो, कोई बातों में अलग आपका माइंड ना जाए। हालेलुया। इस मीटिंग के बाद मैं 10 मिनट और ओवर बात करूंगा आपको। यदि आप में से कोई प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े होकर के यदि चर्च में 2 घंटा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, वो मुझे अभी नाम को देंगे इस मीटिंग के बाद में। बोलो आमीन। आप किसी और बातों को लेकर के ना समय व्यतीत करें, परंतु आप 2 घंटा परमेश्वर के भवन में आकर के प्रार्थना करने वाला ऐसा परिवार बने, ताकि आपके द्वारा लाखों लोग बचाया जाए यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारी आत्माएं बचाया जाए यीशु मसीह के जिंदा और बरकत नाम में। बोलो आमीन। जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर की आत्मा बड़ा काम करेगा। परमेश्वर बहुत सारी आत्माओं को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बारे में मैंने कहा कि शैतान को मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना करने वाला योद्धा बेटी और योद्धा परमेश्वर के बेटा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज के बाद में शैतान को बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए आपके आत्मिक जीवन को, आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं प्रतिदिन, एवरीडे। हालेलुया। एवरीडे, हर दिन आप कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, शैतान को बिल्कुल मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार ताली बजा सकते हैं क्या मेरे साथ यीशु मसीह के लिए? बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। क्या लिखा? व्यवस्था की बातें तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। बाइबिल बताते दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। 9 पद में लिखा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा दीड़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग साथ होगा। बोलो हालेलुया। लिखा है कि नहीं लिखा है ऐसा वचन? क्या लिखा है बोलो, पढ़ो। हाँ क्या लिखा? नवा वचन। हाँ नवा वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याओ बांध कर दृढ़ हो जा, याओ बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, बोलता है भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग और साथ रहेगा, साथ रहेगा, बोलता है। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाने वाले लोग हैं, आप इधर उधर की बातों पर मन लगाने वाले लोग नहीं होंगे, तो मेरा परमेश्वर का कलाम में लिखा है कि जहां जहां पर जाएंगे वहां वहां पर परमेश्वर आपके संग साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया।
आप इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, आप प्रार्थना पर मन लगाते हैं। आप प्रार्थना योद्धा के समान आत्मिक जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, आप समर्पित जीवन जीने वाले लोग हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आपके हमेशा साथ होगा, कोई और नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। लेकिन शैतान बहुत बड़ा चलाक है, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जिंदगी में बना रहे, शैतान नहीं चाहता कि आपके आत्मिक जीवन मजबूत होता जाए, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हो जाओ, शैतान नहीं चाहता कि आपके आत्मिक जीवन ग्रोथ करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान चाहता है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों कि आपके आत्मिक जीवन जीरो बन जाए, आमीन क्यों बोल रहे तुम, हालेलुया। ये शैतान का प्लानिंग है, शैतान चाहता है कि बहने बहने झगड़े मत जाओ, हाँ शैतान चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना का जीवन क्या हो जाए, भंग हो जाए, ये शैतान का षड्यंत्र है। शैतान नहीं चाहता कि पति पत्नी जीवन बढ़िया रहे, पति पत्नी बैठ कर एक जगह प्रार्थना करे, शैतान का चाहता ये प्लानिंग कि पति पत्नी झगड़े होंगे तो प्रार्थना नहीं होगा, हालेलुया। शैतान को मालूम है, शैतान को बड़ा चलाक है, मालूम है कि सेवक सेवक लोग आपस में खींचातानी होंगे तो इनकी सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगा, शैतान को मालूम है, शैतान को मालूम है कि उसका योजना कैसा है। शैतान बड़ा चलाक है बेटा, लेकिन हमको शैतान के चलाकी से सावधान होना है, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। शैतान के बारे में परमेश्वर ने बहुत अच्छा लिखा कि वो इसी धरती पर घूमता फिरता और डोलता डालता रहता है, कोई भी उसको जगह देने के बाद सट से उसके मन में घुस जाता है, फिर वो काम करता है, हालेलुया। कभी भी घुस जाता है, कभी भी किसी एंड टाइम वो घुस जाता है शैतान, और इस आत्मिक जीवन को खराब कर देता है, आपकी प्रार्थना को भंग कर देता है, आपके आत्मिक जीवन में जब आप बढ़ रहे हैं उसको खत्म कर देता है, आपके हर चीज वो खत्म कर देता है, फिर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, फिर आपको चर्च आने का मन नहीं करता, फिर आपको फास्टिंग करने का मन नहीं करता, फिर बाइबिल पढ़ने का मन नहीं करता, अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब चर्च ही छोड़ दूँ, किसी दूसरे जगह में चला जाऊँ, ये शैतान का षड्यंत्र है, इस बात को समझ रहे हैं आत्मिक जीवन में, हालेलुया। शैतान के ताकत को पैर के नीचे रखना है, शैतान की जगह कहां पर है मालूम है, पैर के नीचे। शांति का परमेश्वर क्या लिखा रोमियो के 16:20 में पढ़ो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में क्या कर देगा, शीघ्र ही कुचलवा देगा, हालेलुया। जब आप अपने आत्मिक जीवन को चार्जिंग में रखते हैं, आप आत्मिक जीवन में कोई प्रकार की कड़वाहट नहीं रखते अपने जिंदगी में, कोई प्रकार के बैर भाव के जीवन नहीं बिताते परमेश्वर के बेटा बेटियों, कोई प्रकार की बातों में छोटी छोटी मुंह नहीं फुलाते परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप आत्मिक जीवन को संभाल के रखते हैं, किसी भी बात में आप आदर सम्मान नहीं चाहते परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो बाइबिल बताती है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव में क्या कर देता है, शीघ्र कुचलवा देता है। और बाइबिल में लिखा है जो अपने आप को छोटा करते वो बड़ा किया जाएगा, बोलो आमीन, हालेलुया। आपको बड़ा बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, हालेलुया। बहुत बार बड़े बनने के चक्कर में हमारी आत्मिक जीवन भंग हो जाती है, हमारी आत्मिक जीवन क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है, शैतान का षड्यंत्र है, हाँ शैतान का बड़ा चलाक है कि आपको बढ़ने नहीं देता, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर देता है, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। मान सम्मान के चलते क्या हो जाते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के पतन कर देते हैं हम, लेकिन आपको परमेश्वर बड़ा करेगा यदि आप लोगों के सामने नीचे रहना सीखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इंसान आपको बड़ा नहीं बनाएगा बेटा, परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, कौन बनाएगा, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर बड़ा करता है, हालेलुया। आपको इंसान बड़ा नहीं करता, परमेश्वर आपके प्रमोशन करता है, परमेश्वर आपको बढ़ाता है यदि आप अपने जीवन को नीचे स्तर में रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर के प्रलोगों, छोटी छोटी बात में हम बहुत बार अपने आत्मिक जीवन को सुन सुन करके नीचे कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहते कि कोई बात नहीं मैं आज कुर्ते नहीं पाया नीचे मैं बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं आज गाना नहीं गाने पाया मैं बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं आज मुझे माइक नहीं मिला बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं आज मुझे और कोई काम नहीं मिला आज मैं खड़ा था ऐसा करके हाथ उठा करके, कोई बात नहीं परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के प्रलोगो, कभी छोटा बनना नहीं चाहते। बहुत बार ऐसा होता है कि सचमुच आज तुला कैसे गाना नहीं दी से पास्टर साहब, हालेलुया, सचमुच तुला कैसे कुर्सी में नहीं बैठे से तीरमा आज पास्टर साहब। शैतान उतनी में क्या घुस करके क्या कर दिया, कचरा कर दिया हमारे दिमाग को। हाँ परमेश्वर के प्रलोगो, बोलो यीशु मसीह की, और उतने में क्या हो गया, कचरे हो गए, आत्मिक जीवन को खराब कर लिए। ऐसा शैतान का षड्यंत्र है बेटा, इन शैतान के षड्यंत्र से क्या करने, हमको अपने आत्मिक जीवन को बचाना है। कोई बात नहीं, आज मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैं आज परमेश्वर के भवन में आ गया और आ गई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बोलो आमीन, हालेलुया, बड़ी बात है बेटा कि आज मैं केवल सीख रहा था। ऐसे बोल दो सीधा उनको, मुंह में बोल दो, आज मैं खड़े खड़े सीख रहा था, आज बैठे बैठे सीख रहा था, आज मुझे कुछ मिला या ना मिला, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में आज यहाँ पर मस्त सुन सके हूँ यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार ऐसा हो जाता हूँ कि चर्च में मैं इधर भागता हूँ उधर भागता हूँ, मुझे काम इतना बिजी हो जाता है कि परमेश्वर के वचन सुन नहीं पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं बुरा नहीं मानूंगा मुझे कुछ काम मिले या ना मिले, लेकिन आज मैं बैठ करके परमेश्वर के दास के द्वारा मैंने वचन को सुना है यीशु मसीह के नाम में। ये आपको आत्मा में संतुष्टि करके आपको नीचे करना है, यीशु मसीह आपको ऊंचा करेगा, आमीन। लेकिन आपको कभी अपने आत्मिक जीवन को छोटा नहीं करना है बेटा, गंदा नहीं करना है, मन को सोच को गंदा नहीं करना है, किसी के सुन करके, किसी के बोल करके, किसी के बताने से, किसी के सिखाने से अपन को छोटा नहीं करना है। किसको? अपने मन को, हालेलुया, अपने मन को बढ़िया रखो बेटा, परमेश्वर हमको खूब आशीष देगा। बोलो आमीन। जब नीचे करते जाएंगे परमेश्वर ऊंचा उठाता जाएगा। जितने ऊंचा उठने की कोशिश करोगे नीचे गिर जाओगे, लेकिन आप नीचे करोगे अपने आप को, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, हालेलुया। बाइबिल में लिखा है परमेश्वर के देखना मनुष्य के जैसा, बोलो नहीं है जी, हाँ परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा देखना नहीं है, हाँ वो देखता है, वो सुपर देखता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आप कोई भी कोना में बैठे रहो ना, कोना में बैठ जाओ, पीछे में बैठ जाओ, दरी में बैठ जाओ, आपको नहीं मिलता कहीं भी बैठ जाओ, इंसान आपको देखे या ना देखे, आप आज आपको पास्टर आदर दे या ना दे, पास्टर आपको अपने पास में बुलाकर बिठाए या ना बिठाए, लेकिन यीशु मसीह आपके आत्मिक जीवन को देख लिया कि आप पीछे में बैठे थे, आज बिल्कुल चेयर नहीं था, नीचे में बैठे थे, हालेलुया। परमेश्वर देख करके आशीष देगा बेटा, बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं एक बार इसी चर्च में एक मीटिंग था जिसमें पादरी लोगों को भी मैं बुलाया था, कुछ लोगों का मैंने यहाँ पर पुलपिट में स्वागत करने के लिए भूल गया, तो वो चले गए निकल करके, क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत सारे पास्टर लोग थे और मैंने उसका नाम लेने भूल गया, वो सामने में था, इधर सामने में, हालेलुया। उसके बाद में उसके दोस्त मुझे फ़ोन कर बताते हैं कि हम लोग पास्टर जी आ गए हैं। मैं बोला क्या बात है, लेकिन आपने उसी जगह में मेरे बगल में खड़े थे, उस पास्टर जी का नाम लेकर आपने स्वागत नहीं करवाया। मैंने बोला मैंने बड़ा भूल कर दिया प्रभु, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रलोगो, और उसने क्या किया, उसने सभा अटेंड नहीं किया। मैं बोलूँ कौन सभा था, वो नवीन जोगी की सभा थी, हालेलुया। उसमें पहली बार युवराज और उनके परिवार से हम लोग मिले थे चर्च में, उस समय बिल्कुल नहीं था, ये पूना चूना पोताई था, नीचे ये मिट्टी का था, और बहुत सारे लोग आए थे, और मुझे फिर फोन आया कि हम लोग निकल गए हैं और हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं किए, क्योंकि हमको बहुत दुख लगा कि यहीं पर खड़ा था लेकिन परमेश्वर के दास ने उसकी आदर नहीं किया, हालेलुया। देखो एक छोटी सी आदर के लिए पूरे परमेश्वर के दास के संगति को छोड़ करके क्या कर दिया उसने, भाग गया भाई, हाँ हालेलुया। हाँ नवीन जोगी आया था हमारे घर चर्च में, यहाँ पर बुलवाया था पहली बार, जबलपुर वाले, बोलो यीशु मसीह की। ऐसे भी आदर क्या काम का जो परमेश्वर की संगति नहीं मिला, हाँ परमेश्वर के आशीष छोड़ गए हम, हालेलुया। ऐसे भी आदर कोई काम का नहीं है बेटा, हालेलुया। मैं उसको बुला करके यहाँ पर ताली बजवा देता तो उसका कद और एक फीट ऊंचा नहीं हो जाता, समझ रहे हो ना, हाँ उसके कद एक फीट ऊंचा नहीं हो जाता, वही लेवल में रहता जितना मेरे वो हाइट था, बस इतना है कि लोग जानते हैं हाँ पादरी है वो, अपने मान सम्मान के चक्कर में अपने आत्मिक जीवन के आशीष को क्या कर देते हैं बेटा, खो देते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग।
बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन को खो देते हैं, हाँ, लेकिन अपन को इस चीज से अपन को लेन देन नहीं रखना है। हमको कोई स्वागत करे या ना करे, हमको कोई आदर दे या ना दे, कोई बात नहीं, इस बात को सीखना है बेटा। और परमेश्वर के एक प्रार्थना योद्धा के रूप में अपने मन को अच्छा रखना है, साफ रखना है यीशु मसीह के नाम में। शैतान छोटी छोटी बातों में हमारे मन सत्ता को ख़त्म कर देता है, हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर देता है, हमारी प्रार्थना को ख़त्म कर देता है। बाइबिल बताती है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बहुत सारे लोग के जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसलिए करके बहुत बार बहुत सारे चीज़ों में परीक्षा में पड़ जाते हैं, आत्मिक जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने क्रेडिट को खराब भी कर देते हैं मान सम्मान के चक्कर में। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने नहीं, सेवा कराने नहीं, परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, सेवा करने के लिए आया हूँ। आज हम लोग बड़ी मुश्किल से भाग कर आए हैं वहाँ से, लेकिन पकड़ में आ जाएंगे एक दिन। हालेलुया, नहीं छोड़ेंगे हम लोग को। हालेलुया, हाँ परमेश्वर के प्रलोगो, मैंने कहा कि यीशु मसीह ने चेला का पाँव धोया है, हाँ गुरु के पाँव नहीं धोया, फिर भी आज वहाँ से भाग गए हम लोग। मैं बोला नहीं 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 अभी नहीं करेंगे, अभी जाते हैं हम लोग, आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह की, भारद्वाज जी था वहाँ से और उसकी बड़ा दिक्कत को कि मैंने वाचा बांधी है, मैंने वाचा बांधी है। उसने उसके हस्बैंड भी बोला कि नहीं हम वाचा बांधे हैं पास्टर साहब, हम ऐसा करेंगे। मैंने बोला कि और कोई टाइम करेंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आज नहीं करेंगे। हालेलुया, हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को खुदा देखे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, तो हमको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा होना है, प्रार्थना करने वाला बनना है। आज के बाद में प्रभु को भी मालूम होना चाहिए कि बिना मुख दिखाए मेरा बेटी मेरे चरणों से नहीं भागता, अपने कामों में नहीं माहिर होता। परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखने पाए कि मेरा बेटा बिना प्रार्थना का अपने बिस्तर से नहीं उठता। बोलो आमीन। बिना प्रार्थना के मेरा बच्चा नहीं निकलता कहीं भी घर से, ऐसे करके परमेश्वर के एंजल को मालूम होना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा को मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को मालूम होना चाहिए, और साथ में लूसीफर शैतान को भी मालूम होना चाहिए कि ये प्रतिध्वनि क्या करते हैं अपने आत्मिक जीवन में, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आज उस दिन को उस समय को अपने आत्मा में लेना है जो हर दिन हमको आत्मिक जीवन में बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। आपको ये प्लानिंग करके चलना है कि प्रभु मैं अपने लाइफ में प्रार्थना करूंगी, मैं अपने लाइफ में वचन पढ़ूंगी, मैं अपने लाइफ में संगति से अलग नहीं होंगी, मैं अपने लाइफ में पवित्रताई में खड़ी रहूंगी और मैं परमेश्वर तेरे भय मानकर आगे बढ़ता जाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, आगे बढ़ता जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जब आप खड़े रखेंगे अपने आप को, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपके आत्मिक जीवन को बड़ा करेगा बेटा, आप सिखाने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया, आप जितने लोग आज की रात चाहते कि परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को प्रभु अपने आत्मा से भर यीशु मसीह के नाम में, आज हमको बड़े मुंह खोल के प्रार्थना करना है जवान सभा में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, चाहते कि नहीं चर्च, आज जवान बेटा बेटियों क्या चाहते हैं कि आज के बाद आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को मालूम होना चाहिए कि मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। बोलो आमीन। आपके आत्मिक जीवन को शैतान लूसीफर को मालूम होना चाहिए कि इनके घर के चारों ओर तो बाड़ा लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपको आज तैयार होना है अपने आत्मा में ताकि परमेश्वर को भी मालूम होना चाहिए और लूसीफर को भी मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने रिश्ता को मजबूत करें आज की रात यीशु मसीह के नाम में। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करो तो यीशु मसीह की। हम वर्शिप करेंगे अभी, एक गीत गा करके बच्चों के साथ में वर्शिप करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हमारे बच्चों के टीम पहुंच जाओ सब लोग और एक गीत गाओ, परमेश्वर के आत्मिक जीवन किसी भी व्यर्थ बातों में ना फंसने पाए, किसी भी व्यर्थ बातों पर आपके आत्मिक जीवन ना उलझन में जाए।
परंतु आप हमेशा प्रार्थना करने वाला बनो, एक योद्धा के रूप में खड़ा हो अपने मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी चीज आपकी जिंदगी के आत्मिक जीवन को खराब ना करे, कोई भी बात आपको आपके आत्मिक जीवन नीचे ना फेंके, आपको आपको परमेश्वर ऊंचा उठा के ले जाए। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करे। आप छोटी छोटी बातों में ना फंसो, छोटी छोटी बातों में शैतान को समझाओ कि शैतान ये मेरे आत्मिक जीवन मेरे परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, जिसमें मैं तेरे बहकावे बातों पर फंसना नहीं चाहता, मैं तेरे उलझन में फंसना नहीं चाहता, मैं तेरे कामों में फंसना नहीं चाहता। शैतान को दिखाओ और बोलो कि मैं तो अपने बेटी परमेश्वर का बेटी हूँ और मैं तो अपने परमेश्वर का बेटा हूँ, यीशु मसीह के नाम में। आइए गीतों को गाओ, परमेश्वर की महिमा करो कुछ देर, थोड़ी देर। हालेलुया हालेलुया। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, हर एक लोग पुकारे भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, बोलो 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 बोलो, भेज अग्नि भेज। यस फादर, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, ताली बजाते हुए भेज अग्नि भेज, बोलो बोलो, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि खड़े हो जाए इस मसीह के नाम पे परमेश्वर, ताकि प्रभु
बढ़ने पाए, खुदावंद तेरे नाम को ऊंचे पर उठाने पाए, इस मसीह के नाम पे। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर आज की रात अग्नि भेज हमारे मिनिस्ट्री पर, हमारे जवानों पर अपनी आगों को भेज, हमारे सेविक सेविकाओं के ऊपर अपने आगों को भेज, अपने हाथों को बड़ा प्रभु, अपने सामर्थ्यों को भेज परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारा सारा जीवन प्रभु तेरी आत्मा में महिमा करते हुए आगे बढ़ने पाए। कोई भी बातों में अंधकार की शक्तियां हमारी जिंदगी में प्रभु, पीड़ा और परेशानियां और प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को नीचे गिरने के कारण न बनाए परमेश्वर, पर पवित्र आत्मा तेरे बड़े स्वामत हमारी जिंदगी में काम करे, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक हमें मसा करता जाए प्रभु। बोलो बोलो बोलो, अग्नि आने वाला है अभी, अरे वो आग आपके ऊपर में आने वाला है, वो आग आपके ऊपर में आने वाला है आज की रात, आज की रात वो आग आपको मजबूत करेगा, वो आज की रात वो आग आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर की महिमा कराएगा, आपके आत्मिक जीवन के ऊपर में परमेश्वर के बड़े स्वामित्व उतरेगा। परमेश्वर की आग को मांगो 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 मांगो, अपने आत्मिक जीवन पर मांगो यीशु मसीह के नाम में, अपने आत्मिक जीवन में मांगो 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 मांगो, आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर जब अग्नि भेजेगा वो सुरक्षित भी रखेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके आत्मिक जीवन को मजबूत भी रखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो, पवित्र आत्मा तेरे आग को भेज अपने लोगों के ऊपर में, अपने लोगों को खड़ा कर एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा कर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के ऊपर में प्रभु, एक एक लोगों को प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़ा कर दे, 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 एक एक लोगों को खड़ा कर दे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य में, एक एक लोगों को प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा में खड़ा कर दे, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य में खड़ा कर दे, तेरे अभिषेक में खड़ा कर दे, अपने दास की प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर, अपने दास की दुआ को सुन ले परमेश्वर, अपने दास के ऊपर में प्रभु अपने हाथों को बढ़ा दे प्रभु, अपने दास की प्रार्थना को सुन ले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक को उंडल दे अपने लोगों के ऊपर में, एक एक जवान बहने अभिषेक में खड़े हो जाने पाए समझी के नाम में, एक एक बेटा और बेटी अभिषेक में खड़े हो जाने पाए समझी के नाम में, एक एक लोग प्रभु अपने सेवा में खड़े हो जाने पाए समझी के नाम में, एक एक लोगों के ऊपर में आग बहने दे प्रभु, आग बहने दे, आग बहने दे, आग बहने दे, आग बहने दे, आग बहने दे समझी के नाम में, आग बहने दे समझी के नाम में, परमेश्वर अपने अग्नि को भेज, अग्नि को भेज, एक एक के ऊपर में अग्नि उतरने वाला है अभी, अभी उतरने वाला, अभी उतरने वाला, अभी उतरने वाला इस मसीह के नाम में, अभी उतरने वाला इस मसीह के नाम में, अभी अग्नि आने वाला, अग्नि आने वाला, अपने हाथों को उठाओ और वो अग्नि को लो अपने ऊपर में इस मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाओ और वो अग्नि को लो, अग्नि को लो, अग्नि को लो, अग्नि को लो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आत्माओं को, रूहों को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, अपने ऊपर में अग्नि को लो, लो 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 लो, फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन के नाम से, खुदावन के नाम से, अपने आत्मा में फायर को लो, अपने आत्मा के ऊपर में आग को लो, 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 हर लोगों के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा उतरे, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य एक एक लोगों के ऊपर उतरे, समझे के नाम में, एक एक लोगों के ऊपर में उतराए 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 उतराए, समझे के नाम में परमेश्वर, एक एक लोगों में तेरे अभिषेक बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, छूले पवित्र आत्मा, छूले को आपके ऊपर में भेज रहा है,
अपने अग्नि को जवानों को भर में, बहनों को भर में, बच्चों को भर में, बुजुर्गों को भर में, आज आज की रात परमेश्वर की अग्नि आपको भरना चाहता है। अग्नि से भरो, अग्नि से भरो, अग्नि से भरो, अपने आत्मा को भर में अग्नि को लो, अपने आत्मा को भर में, अपने आत्मा को भर में अग्नि को लो, 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 इस मसीह के नाम में। अग्नि आपके ऊपर में उतरे, अग्नि आपके ऊपर में उतरे, अग्नि आपके ऊपर में उतरे, हर बहनों को ऊपर में, बच्चों को ऊपर में, बुजुर्गों को ऊपर में, पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर में उतर रहा है, 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 पवित्र आत्मा की आग आपको छू रहा है, 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 पवित्र आत्मा की आग आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपको पवित्र आत्मा के आग आपके ऊपर में एंटर कर रहा है, 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 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, पवित्र आत्मा के आगे, आगे पवित्र आत्मा का अभिषेक का आगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके ऊपर में, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके ऊपर में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में। जवान भाई अपने ऊपर में अपने हाथों को बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, बेटियों अपने हाथों को बढ़ाओ, अपने आत्मा को ऊपर में अभिषेक को लो, अभिषेक को लो परमेश्वर के राज में, अभिषेक को लो, अभिषेक को लो, अभिषेक को लो, अभिषेक को लो, अपने ऊपर में लो अभिषेक को, लो 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 लो, अपने आत्मा को ऊपर में अभिषेक को लो, लो एक एक लोगों को ऊपर में, अपने आत्मा को ऊपर में लो, लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो मेरे बहन, लो 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो, हर लोग अपने आत्मा को ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक को लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लो इस मसीह के नाम में, लो बेटा पवित्र आत्मा का अभिषेक को इस मसीह के नाम में, लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को, मैं पार करता हूं आपके ऊपर में, मैं पार करता हूं आपके ऊपर में, पार करता हूं इस मसीह के नाम में, मैं पार करता हूं इस मसीह के नाम में, आपके ऊपर में मैं पार करता हूं इस मसीह के नाम में, मैं पार करता हूं इस मसीह के नाम में, आपके ऊपर में पार करता हूं, पार करता हूं, पार करता हूं, पार करता हूं इस मसीह के नाम में, आपके ऊपर में पार करता हूं मेरे बच्चे, आपके ऊपर में मैं पार करता हूं इस मसीह के नाम में, आपके ऊपर में मैं पार करता हूं, हर जबानों के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, 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 अभिषेक, अभिषेक उतरे आपके ऊपर में, आपके ऊपर में बेटा अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक नाम में, अभिषेक से भरो, अभिषेक से भरो, अभिषेक से भरो, अभिषेक से भरो, अभिषेक नाम में, अभिषेक करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में काम करे, अपने हाथों को उठाओ जवान लोग, अपने आत्मा के ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, लो 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, लो अपने आत्मा के ऊपर में लो, टच फादर, 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच करे, आपको टच करे, आपके जीवन को खड़ा करे, इस के नाम में खड़ा करे, 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 इस के नाम में खड़े हो जाए, इस मसीह के नाम में खड़े हो जाए, इस मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, इतना बाकी रे जीसस, इतना बाकी रे जीसस, खुदावन के नाम से आपके आत्मा के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक बहने पाए, अभिषेक बहने पाए, अभिषेक बहने पाए, इस मसीह के नाम में, टच होली स्पिरिट, टच, टच विद द पावर, टच, 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 टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, टच विद द पावर, इस मसीह के नाम में एक-एक लोगों के ऊपर में अभिषेक उतरे, 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 इस मसीह के नाम में उतरे, 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 परमेश्वर की आग उतरे आपके ऊपर में, परमेश्वर की आग उतरे, 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 आज की रात अपने अग्नि को भेज मेरे परमेश्वर, अग्नि को भेज अपने लोगों को, अग्नि को भेज अपने लोगों को, इस मसीह के नाम में अग्नि को भेज, अग्नि को भेज, अग्नि को भेज, अग्नि को भेज, अग्नि को, अग्नि को, अग्नि को, अग्नि को भेज परमेश्वर, अपनी आत्मा में अग्नि को भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, पवित्र नाम में, पवित्र नाम में, पवित्र नाम में, आपके ऊपर में आग उतरे, आपके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहने पाए, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर में बहने पाए, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में बहने पाए, परमेश्वर की आग आपके ऊपर में बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, बहने पाए, हर भाइयों को ऊपर में, बहनों को ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, हर वर्षीपर को ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे,
अब अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे हर सेवकों के ऊपर में, हर सेविकाओं के ऊपर में अभिषेक उतरे इस मसीह के नाम में, हर लीडरों के जवानों के ऊपर में अभिषेक उतरे इस मसीह के नाम में। आज की रात ये परत्रित आत्मा आपके अभिषेक पूरे भवन में भर जाने पाए, पूरे भवन में भर जाने पाए इस मसीह के नाम में। भवन आग से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भवन आग से भर जाए इस मसीह के नाम में, भर जाए होली स्पिरिट के अभिषेक, अभिषेक भर जाए इस मसीह के नाम में, अभिषेक भर जाए, 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 भर जाए इस मसीह के नाम में। एक एक लोग को भर में ठहरने पाए इस मसीह के नाम में। पेंतिकोस्त के दिन आग उतर आने पाए, पेंतिकोस्त के दिन के समान, दिन के समान, दिन के समान, दिन के समान, पेंतिकोस्त के दिन के समान परमेश्वर जो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करते हुए खुदा बंदे तेरी महिमा कर रहे थे खुदा बंदे, एक एक आग का जा जीव सफलता सुनाई दिया और आठेरे लोगों को ऊपर में वो आठेरा 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 आज इस मसीह के नाम में, आठेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक आज की रात आठेरने पाए इस मसीह के नाम में, आठेरने पाए इस मसीह के नाम में, आठेरने पाए इस मसीह के नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अग्नि को भेज मेरे खुदा बंदे, ओ भेज अग्नि, 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 अग्नि हो ऐसे पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसे पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसे पाके खुदाया पाप सभी जल जाए, बेटा आज अग्नि में, आज अग्नि में,
परमेश्वर की आत्मा आपको छू कर आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। चल भाग गंदी दुष्ट आत्मा, छोड़ 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 यीशु मसीह के नाम। अट 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 शैतान की आत्मा निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम में, निकल यीशु मसीह के नाम में। अट 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 शैतान तेरे काम जल के ना सुझाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे सब शक्तियां पवित्र आत्मा के आग में जल के ना सुझाए, जल के ना सुझा, जल के ना सुझा, जल के ना सुझा इस मृत्यु के नाम में। चलो 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 इस आत्मा इस मृत्यु के नाम में, चल जाओ इस मृत्यु के नाम में। तेरे सब शक्तियां चले इस मृत्यु के नाम में। चल भाग गंदी शैतानी आत्मा, छोड़ इस बहन की जिंदगी से, तेरे सब ड्रामा को मैं तोड़ता हूं इस मृत्यु के नाम में। टच पिता पावर, पवित्र आत्मा अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को आजाद कर इस मृत्यु के नाम में, अपने लोगों का जाकर इस मृत्यु के नाम में। चल गंदी दुष्ट आत्मा मुंह खोल कर निकल जाए इस मृत्यु के नाम में। चल छोड़ इस मृत्यु के नाम में, चल छोड़ छोड़ इस मृत्यु के नाम में। गंदी दुष्ट आत्मा इस मृत्यु के नाम में, तेरे सब शक्तियां जल जाए और नाश हो जाए। पवित्र आत्मा तेरे आप से जला 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 जला। पवित्र आत्मा अपने आगों में जलाओ, जलाओ जलाओ पवित्र आत्मा अपने आगों में जलाओ। दुष्ट आत्मा को मेरे आग गिरे, बोले आग गिरो 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 आग गिरो, आग गिरे आग गिरे आग गिरे आग गिरे। आज की रात शैतान के ऊपर में आग गिरे, पवित्र आत्मा का आग उनको जला के नाश करे, नाश करे, नाश करे, नाश करे इस मसीह के नाम में। आग गिरे, आग गिरे इस मसीह के नाम में, आग गिरे शैतान के ऊपर में इस मसीह के नाम में, आग गिरे इस मसीह के नाम में। आग गिरे और जले और नाश हो जाए, आग गिरे जले और नाश हो जाए, आग गिरे और जले और नाश हो जाए, आग गिरे जले और नाश हो जाए, आग गिरे और जले नाश हो जाए। शैतान तेरे कानों को मैं इस मसीह के नाम से खोल देता हूँ, तेरे कानों को मैं खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ, खोलता हूँ। तेरे कान खुल जाए इस मसीह के नाम में, तेरे कान खुल जाए इस मसीह के नाम में, तेरे कान खुल जाए इस मसीह के नाम में। हाथ हटा बेटा, हाथ हटा, हाथ हटा। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद करो, आजाद करो। इनके कान में से दुष्ट आत्मा निकल कर भागने वाले इस मसीह के नाम में। इनके अंदर जो भी बैठा छुपा शैतानी आत्मा निकल कर भाग, इस कान को खोल इस मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर दे इस मसीह के नाम में। इन बहनों को आजाद कर दे इस मसीह के नाम में। इनके सब भूल चूक गुना गलती को क्षमा कर दे मेरे पिता। तो दया का धनी, तो क्षमा का खान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा आज की रात इनके ऊपर से बंधनों को तोड़ दे इस मसीह के नाम में। इनके बंधने टूट जाए इस मसीह के नाम में, इनके बंधने टूट जाए इस मसीह के नाम में। शैतान तेरे सर मेरे पांव के नीचे कुचल चुका है इस मसीह के नाम में, कुचल चुका है इस मसीह के नाम में, तू कुचल चुका है इस मसीह के नाम में। तेरी शक्तियां नाश हो चुका है इस मसीह के नाम में। शैतान तेरे ड्रामा खत्म हो चुका है इस मसीह के नाम में। बहन की जिंदगी से चल छोड़ भाग, चल शैतानी आत्मा निकल, चल छोड़ शैतान की आत्मा निकल भाग यहां से, छोड़ यीशु के नाम, छोड़ यहां से निकल, चल निकल, निकल चुपचाप निकल। शैतान की आत्मा तेरे काम को मैं यीशु के नाम से नाश घोषित करता हूं इस मसीह के नाम। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर दे अपने सामर्थ्य नाम के, अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहन तुम्हें आजाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, तुम्हें आजाद करता हूं। तुम्हारे ऊपर में जो भी दुष्ट आत्मा, जो पागलपन की आत्मा तुम्हारे अंदर में डाला है, मैं तेरे सारे जादू टोना तंत्र मंत्र को मीका 5:10-15 वचन में नाश घोषित करता हूँ, नाश घोषित करता हूँ इस मसीह के नाम में। मेरे खुदा ने कहा मैं तेरे तंत्र मंत्र जादू टोना को नाश करूंगा, तेरे घोड़ों को विनाश करूंगा, तेरे टोने नाश होंगे, तेरे आगे के असर कराए मुहूर्त ना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लूका 10:19 के वचन से तुम्हारी शक्तियों को नाबूद करता हूँ, नाश घोषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तुम छोड़ जाओ अभी, छोड़ जाओ इस के नाम में, छोड़ जाओ इस मसीह के नाम में। बहन छोड़ जाओ शैतान के हाथों से इस मसीह के नाम में, छोड़ जाओ इस मसीह के नाम में। इधर लेके आ बहन, उसको क्या प्रॉब्लम है, परमेश्वर इसको चंगा कर। खुदाबंद के नाम से जो भी बंधन है टूट जाए इस मसीह के नाम में। बहन प्रभु इस मसीह के नाम में तुम चंगी हो जाओ, हर एक गंदी आत्माएं तुम्हारी जिंदगी से छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ इस मसीह के नाम में। शैतानी ताकत में तुम्हारी शक्तियों को नाबूद करता हूँ प्रभु यीशु के लहू से, जला के तुझे नाश घोषित करता हूँ प्रभु। इस बहन को आजाद कर दे, अपने खून देकर आजाद कर दे, खून देकर आजाद कर दे, आजाद हो जा बेटा। टच पिता पावर, पवित्र आत्मा फ्री करता हूँ इस बहन को, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, फ्री करता हूँ, पवित्र लहू लगाकर फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तुम चंगी हो जा बहन, आमीन। परमेश्वर इन बच्चों को चंगा कर दे, एक एक बंधने टूट जाए यीशु मसीह के नाम में।
हर एक इनके घर के श्राप को मैं तोड़ता हूँ। इनके घर में जो भी जादू टोना आने वाला पल में जो भी थे पल में जो किया इन्होंने घर में ला करके जादू टोना बेगी गुनिया की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से हराता हूँ। यीशु के नाम से मैं हराता हूँ। यीशु के नाम से पैर के नीचे लेता हूँ। दुष्ट आत्मा तेरी शक्तियों को मैं बांध के धलोक में फेंकता हूँ। मेरे प्रभु ने मत्ती 18:18 में कहा है, मत्ती 18:18 में कहा है कि तुम जो कुछ पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, तुम जो कुछ खोलोगे पृथ्वी में स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर के आत्मा में होकर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके वचन से मैं तुम्हारी शक्तियों को बांध देता हूँ। तुम्हारे शक्तियों को मैं बांध देता हूँ। दुष्ट आत्मा बांध देता हूँ। दुष्ट आत्मा बांध देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आशीष को मैं इस बहन के लिए खोलता हूँ। मेरे प्रभु तू छू इन्हें आशीष दे। पवित्र आत्मा बेटी लता को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन इनकी जिंदगी से टूटने पाए। जो भी बार बार अटैक करता है यीशु मसीह के नाम से शैतानी ताकतें टूट जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाओ। सब लोग चंगी हो जाओ। परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीमार है अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीमार अपने आप को बीमार समझ रहे हैं, बीमार हैं, प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करे। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। परमेश्वर आपको छुए, आपके ऊपर से बंधन टूटे, बीमारियां आपके ज़िंदगी से छोड़कर जाए, आपके हर प्रकार के दर्द पीड़ा आपकी ज़िंदगी से छोड़कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छुए जाओ। परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है। देखो परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। छू रहा है, 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 छू रहा है। अभी आपके ऊपर से बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के नाम। टूट चुका, टूट चुका, टूट चुका। निकल कर भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, एक गया, 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 गंदी आत्मा गया इस मसीह के नाम में। चल छोड़, भाग, भाग इस मसीह के नाम में। चल छोड़, भाग इस मसीह के नाम में। हर एक बीमारियों को डांटता इस मसीह के नाम में, डांटता इसके नाम में, डांटता इस मसीह के नाम में, डांटता बीमारी की आत्मा को इस मसीह के नाम में। हर दर्द पीड़ा वाली आत्मा को मैं डांटता इसके नाम में। छोड़, भाग इस मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों को छू और आजाद कर। प्रभु तेरी आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। यीशु मसीह के नाम से इनके घर आशीष आए। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए।